हरियाणा में जींद जिले में एक गांव है जुलानी। रुपेंद्र भाई वहां एक जाट का छोरा पैदा हुआ था कई साल पहले, जिसका नाम था अरफुल। अरफुल जाट जुलानी वाला एक ऐसा वीर योद्धा था लोगो, इतने वो जाट का छोरा जिया ना कोई हत्था नहीं छोड़ा था, सारे तुड़वा दिए थे। किसे बाण बेटी की जित पांच नहीं आन दी थी। डाकू था लेकिन सभ्य था, डाकून का नाम का था, जो गलत काम कराया करते। अरफुल ने कोई गलत काम नहीं कराया, अंग्रेजा का बढ़ते ही गोली मार दिया करता, लेकिन गऊ पांच नहीं आन दी, सच्चा गऊ भक्ता। उस जाट के छोरे को याद करने लगी, वह गऊ माता जुलानी गांव में पहुंच गई। न बोली रे अरफुल कितने मर गया घुर गया तो बेटा अटक जन्म ले, तेरी जरूरत है। आइए मेरे भाई बहनों भजन भी सुनो। कुछ बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, एक रागणी सुना दूं। रागणी का रंग है लेकिन भजन गौ माता का है, आनंद आएगा आपको। और दान भी करते रहे, कोई भी भक्ति साना जो दान ना करे सारे करियो। ये मेरे चाचे ताऊ बीस बीस के तो पिंडल पैर जो एक दिन बिड़िया टालो जी, कोई बात नहीं गौ माता खातर दान करे, प्रार्थना करता हूँ। ये मेरी चाची ताई मेरी बहने आप भी दान करें, सारे करियो। कोई भी भक्ति साना देखांगे बढ़िया जोटा मार दो, बहुत दानी काम है। बजाओ अपने आप खातर ताली एक बार। गौ माता किस तरह से अरफुल को याद कर रही है, आई कैसे को भी हंडी हो भाई एक बार सारे को, कोई नहीं रहना चाहिए। कोई जोड़ी में गिरेगा तो पुनः होगा ना, अगर कोई बात नहीं भगवान देखा भाई, लेकिन जोड़ी सबका कर ये गौवा खातर पीछे इकट्ठे होने लग रहे नुकागर नेकी कर दरिया में डाल, भगवान देखता है ये दान जरूर फड़ेगा लोगों। नंबर एक पर गौ माता क्या कहने लगी, की
सही पर बंध बेटा, वो सही पर बंध बेटा, आए ते कैदर जा माँ का हिन, दरबार सजा रखा लोगो, मैं गान लाग रहा, जहां दरबार लग रहा था उसका शमी एक गाय माता खड़ी होगी आगे, असली बता रहा हूं, आंख में आंख गली गौ माता ने बोली रे बेटा राम धन, अरे तू तो वो गणिया सारे मां बाप के भजन गावे, बाण बेटी के गावे, पापा के गावे, माता के गावे, मैंने कहा गौ माता आपका आशीर्वाद, ने बोली बेटा तेरे ते एक बात कहना चाहूं, आंखों आंखों में बात हुई मां, गौ माता बोलो, ने बोली बेटे देखे रे भूख में पिंजरो लिया गात का सूख के कोई ध्यान नहीं दे रहा हमारी तरफ, बेटा जड़ भी जगराता करण जावे एक भजन मारे नाम का गा दिया कर, 10-5 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे रे मारा भी गुजारा हो जाएगा रे बेटे, लोगों हमने उस दिन से प्रण कर लिया हम जहां भी जाते हैं भूल लाग जाए तलक बदना दे एक भजन गौ माता का जरूर गाते हैं, जितना भी चंदा इकट्ठा होता है कमेटी वाला ने जो आदमी प्रोग्राम करवा रहे उसने सौंप जाके भाई ये पीछे दान नहीं करके आइए अपने हाथों से जोतरा जी कर वो खरीदिए और गौ माता ने डाल के आइए लोगो, ये सच्चा जगराता ये होता है, मैं तो इसने जगराता मानू, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है, लोग गौआ के बारे में कहे तो जावा लेकिन करेगा कौन, बोले गौ हमारी धर्म की माँ है, सुखी माँ कहने देखिए उसे माँ खातर की में दान पानी भी करो, चुकरी तो हमने ढेर ला दिया, ये है सच्ची भक्ति, यू है असली जगराता, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ बड़ा निवासियों, अगली बार मने बुलाइयो चाहे ना बुलाइयो, चाहे किसी भी कलाकार ने बुलाइयो उसके कान में नू कह दियो भाई एक भजन गौ माता का जरूर गा दे, हम चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं, मुहिम चला दो गांव वाले, कलाकार कोई भी आओ इस चीज को रुकने मत देना, अगर मेरा समर्थन करते हो तो एक बार ताड़ी बजाकर समर्थन कर दो इस बात का, लोगों सनातन संस्कृति जो भी बच्चों की जो भी दान करोगे कैसे दिखा, कलम चलानी होगी, इसी कलम चलानी